हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबको सुबह का टाइम है और हमारे तरफ से सारे परिवार को, सारे यूट्यूबर को, सारी फैमिली को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोले। तो दिन अपना शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो आप लोग कहाँ से करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पीछे बजरंग बली का मैं आज नोटिस की थी, पतिदेव यहाँ पर टांग रखे हैं बजरंग बली को, तो वीडियो में दिख रहा था, मैं कब से ध्यान उसी पे है। और यहाँ मैं नहा धोकर अपना तैयार हो गई हूँ, सुबह का टाइम है, मैं तो जल्दी ही नहा ली, थोड़ा ब्लॉक लेट शूट कर रही हूँ। और देखिए इधर सोनाक्षी भी अपना नहा धो ली है, आज मंदिर गई थी, जल चढ़ाकर आई हुई है। और कल इसका एग्जाम है, दो दिन की छुट्टी था, रेस्ट था अपना, यार रेस्ट नहीं, रेस्ट मतलब पढ़ने का, आराम करने का, पढ़ो लिखाई करो, यही सब था। छुट्टियाँ दो दिन, कल फिर पेपर है, कल किस चीज़ का पेपर सुनाची? हिंदी। और हिंदी सबसे बेस्ट होता है। हाँ, हिंदी तो सबको आता है, हिंदी तो एक भाई, हिंदी और मैं भी अपना जो पढ़ाई की थी सारा, मेरा बीए फाइनल था हिंदी से ही किया था, हिस्ट्री और हिंदी से। तो फिर यहाँ पर देखिए धूप बहुत अच्छी काफ़ी निकल रखी है, और धूप आती है, जा भी रही, आ रहा है, जा रहा है, मौसम दोनों प्रकार का है। तो पतिदेव भी नहा लिए हैं, ये मेरे देखो कैसा चमक रहा है सुनाची, देखो न। अरे तुम्हें एक बार बताना भूल गए थे। तो मम्मी भी नहा धो ली है, और मम्मी इधर देखिए पूजा कर रही है। काटो हमारा ओ भोला सब दुख का। तो यहाँ गेट खोल देते हैं, पूजा करती है ना, गेट खोल देते हैं। उधर देखिए एक कैमरा मैन उधर भी बैठा हुआ है, बंदरों की तरह। चलो आ जाओ। सुन, और पतिदेव इस कपड़े को ना ले जाना आज कार के अंदर कहीं, वहाँ पर दे दो। अरे वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कौन सा मंदिर था, निजामुद्दीन। हाँ, कल कोई बोला कि आप झूठे मूठे करें किसी को देंगे। अब यहाँ हम कपड़े दिखाएंगे थोड़ो ना, बहुत अच्छे अच्छे नए नए टॉप भी है, तो देखिए पहनी नहीं है बिल्कुल, एक बार भी लोग फैशन में ले लिए थे, पहनी नहीं थी। कुछ लहंगे भी है उसमें, ऋषभ का भी कपड़ा है यहाँ पर, देखिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जो ऋषभ पहनता था पार्टी, मतलब शादी, मतलब कि उधर हल्दी रस्म में, सब छोटे हो गए हैं। लो अपने, ये ना कपड़े ले जाना हमारे, कहीं बांट दो। कहाँ बांट दो, क्या कार के अंदर लेते जाना, झोला पैकेट दोनों का है, दोनों थोड़ी जाएगा, एक ही जाएगा जी। तो बांट दो जो करना है। ये भी आ गए है, और आज कर आज एकादशी भी है, तो आज के दिन चावल वगैरह नहीं खाते हैं ना ही, अरे चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। और आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी, मंगाए पतिदेव से पनीर मंगाया था, पनीर लेते आइएगा। ये देखिए पनीर लेकर आए हैं, पनीर की सब्जी और खस्ता कचौड़ी, क्योंकि चावल खाएगा ही कोई नहीं। और आज परसों शिवरात्रि है, और हम सोच रहे हैं आज मेहंदी लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये बिस्किट वगैरह मंगाए थे, जो आज हमने किसी को बुलाया है मेहंदी लगवाने के लिए, तो यहाँ तैयारी कर लेते हैं, वो आने वाली है, मेहंदी में भी लगा लूँगी जल्दी से, और देखते हैं कैसा डिजाइन रहेगा। एक मिनट, फोन आ रहा है उनका। तो गाइस, परसों शिवरात्रि है, तो मुझे मेहंदी लगवाना था, आप लोग को बोले थे, लेकिन देखिए ये मेहंदी लगाने मेहंदी लगाने के लिए आ गई हैं। अब देखिए कैसा लगाती हैं, रिजल्ट कैसा, रिजल्ट अच्छा दिखाएंगे। और कहाँ से आई हैं अभी बता दीजिए, शास्त्री पार्क से। अगर आप अभी, अगर आपके घर में शादी वगैरह होगा तो इनसे आप संपर्क करें, कि होता है ना कि सब लोग चाहते हैं कि हमें शादी में खूब स्पेशल दिखना चाहिए और अच्छी मेहंदी लगनी चाहिए। अभी तो मैंने नहीं लगाया, ब्लॉग में बने रहिएगा, जब लग जाएगा आपको मिल जाएगा देखने के लिए। मैंने वैसे इनकी आईडी देखी थी, अच्छी अच्छी डिजाइन उस पर गई थी, इनकी इंस्टाग्राम आईडी, आईडी का नाम क्या है, शिफा मेहंदी आर्टिस्ट 07, फिर से एक बार बोल दीजिए लोग, शिफा मेहंदी आर्टिस्ट 07 मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की। हाँ, तो वहाँ पर इनको मैसेज डीएम करके बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर क्यों होगा ना आपका, इस पर व्हाट्सएप नंबर भी डाला नहीं है। हाँ अच्छा, डीएम वगैरह करके अपना बातें कर सकते हैं, और जो भी रहेगा जैसा भी मेहंदी, दुल्हन के लिए भी, सबके लिए भी, पार्टी भी, सब मेहंदी लगाते हैं। और आप लोग को देखे होंगे कि मैं एक लोग से लगवाए थे, उनके जरिए भी आई है सही में। तो मुझे कभी भी मेहंदी अच्छा नहीं लगा था मुझे आज तक, फिर अच्छा। उन्होंने लगाया था, फिर सेकेंड बार मैंने आपका देखा, हमको देखो ये भी अच्छा ही लगाती हैं। अब तो चलिए करवा चौथ रहेगा, तीज रहेगा, आप ही लोग को बुलाएंगे।
तो इसी तरह बने रहे, यहाँ देखिए हम इनको नाश्ता पानी करा देते हैं, फिर बने रहे ब्लॉग के अंदर, फिर मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है और अभी तो बहुत सारा बाकी है हाथ में लगना, पैरों में लगवाओगी? देखते हैं पैर में पैर में देखते हैं और कौन कौन लगा रहा है शिवरात्रि में मेहंदी, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा। आज मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, बोली है कि दीदी हम भी आ जाए क्या लगवाने के लिए, हम भी आ जाओ, तो कह रहे कोई बात नहीं मैं अपने हाथ से ही लगा लूँगी तो डिज़ाइन देखिएगा इस, आप लोग भी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन, अभी पूरा जब बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। ये मेहंदी खुद घर पे बनवाते हो ना? जी, ये जो मैंने ना उनको एक वाला दुकान वाला मेहंदी दिया था ना, करेंगे इससे हम लोग नहीं लगा पाते हैं। हाँ, वो ना कीप कटी भी होती है ना उसकी नोक, तो वो डार्क बस चलती है, मोटे मोटे हाँ। चलती है ये, बिल्कुल बारीक चलती है जैसे हम चलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हाथ में लग गया है, हाथों में मेहंदी बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ तक ही लगवाई केवल वहाँ तक के दुल्हन थोड़ा बनना है मुझे ये तो दुल्हन के लिए पूरा हाथ भर भर के लगता है और बहुत प्यारा डिजाइन लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी पीछे बाकी है, अभी इस हाथ में बाकी है, तो इसमें मेरा ये अंगूठी जो है ना ये फंस गया नहीं है मेहंदी लगाने के लिए, ये रीसा निकाल रहा है, एक तो निकल गया। कैसा लग रहा है कमेंट बताइए, हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है, अभी ये सूख जाएगा तो और सुंदर लगेगा, जब पूरे दोनों हाथ में लग जाएंगे तब आप लोग देखिएगा, तब तक आप लोग जुड़े रहिए, निकलेगा सारा निकले। गाइस जब मेरे हाथों की मेहंदी ये सूख गई थी और ये गिरने लगा था तो इन्होंने बोला कि नींबू और चीनी और ये का घोल बनाकर इसके ऊपर लगा दोगे तो ये भी गिरेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जैसे कि मेहंदी लग जाता है तो सूखने लगता है तो उसका वीडियो पूरा बनाना नहीं मतलब कि बनाना पड़ता है और मेहंदी झड़ जाएगा फिर कैसे लास्ट में दिखाएंगे कि हाँ कैसे लगेगा तो इसलिए ये चीनी से और नींबू से चिपका रहता है, इसका गिरता नहीं है। बहुत लोग तो तेल भी लगाते हैं, तेल भी लगाते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, बट ऑयल चीनी पानी से इसकी चिपकी रहती है, चिपकी रहती है खुद, मतलब गिरता नहीं है जैसे कि बहुत झड़ने लगता है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें शाइनिंग आ गया ना मेहंदी लगा के तू लगा मेहंदी, लोग बागों से तोड़ के इसको लाते हैं। चलिए गाइस जुड़े रहिए, फाइनली जब लग जाता है तो लास्ट में दिखाते हैं आप लोगों को, और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना इनको बुलाकर मेहंदी लगाने के लिए, दिल्ली के अगल बगल से जो भी है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बुलाइएगा मेहंदी लगवाइएगा। अभी तो तीज त्यौहार जाती है ना सबके, मतलब जो बुलाएगा आपको खूब सर्विस भी करती है ना जी, उनको हमने बुलाया है, हमने तो इनको 2 तारीख के लिए बुला रखा था लेकिन मुझे 7 दिन जो कैंसिल हो गया ना तो मैंने सोचा चलिए शिवरात्रि है अपने भोले बाबा के लिए वैसे होता है ना तो लगा लिया, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे हाथ दिखाओ। तो गाइज देखिए फाइनली हमारे दोनों हाथों में मेहंदी लग गया है और डिजाइन भी आप लोग को अच्छा ही लग रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, और पीछे भी लग गया है और यहाँ पर मुझे लग रही थी बीच में ठंड, क्योंकि जब मेहंदी लगती है तो भाई थोड़ा बहुत तो ठंड तो लगता ही है, और फिर बोली है पैर में लगाने के लिए तो यहाँ देखिए मैं धूप में आकर बैठ गई हूँ और पैरों में हमारी भी मेहंदी लग रहे हैं, मैंने बोला जाने तो पैर में मत लगा कहीं नहीं अच्छा लगेगा, चलिए यहाँ पैर में लग जाता है फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पैरों में भी मेहंदी लग गई, क्या अरे दिखा डॉक्टर पैर पर पैर का ही दिखाते हैं ना, तो पैर में भी लग गए हैं और बहुत सुंदर लग रहा है यार वीडियो में, सामने से भी अच्छे लग रहे, कलर चढ़ जाएंगे और सुंदर लगेंगे, और इधर देखिए हाथों में भी दिखाओ सूख गए हैं, अभी बोल रहे हैं इसके ऊपर लौंग का भाप लेना है, ये पीछे का है दोनों तरफ का लग गया है, तो आप लोग को भी लगवाना है तो इनसे ज़्यादा संपर्क करिए, अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है, अगर 30 त्यौहार कुछ भी पड़ता है आप इनको बुला आ सकते हो कैमरे के सामने बहुत सारे क्या होता है गाइस ना जैसे कि ना ये सब ना थोड़ा वीडियो में कम आना पसंद कर, पसंद वाली बात नहीं है जैसे इनके में परमिशन नहीं होता है, तो बस ये है कि जो इनका काम रहता है वो अपने काम पे फोकस देती हैं, तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी इनका यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप यहाँ का जाकर इनको DM मैसेज फॉलो करिए और खूब सुंदर सुंदर अपने हाथों में ऐसी डिज़ाइन लगवाइए, मेरा तो काफ़ी बहुत सुंदर लग रहा है,
देखिए चाहे मैं तो जानबूझकर इतना ही लगवाई हूँ क्योंकि दुल्हन मुझे तो बनना नहीं है, तो दुल्हन जिस दिन बनेंगे तो यहाँ यहाँ तक लगवाएंगे। तो कैसा डिजाइन लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और क्या बताएं, ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी को मैं टैग कर दूंगी, मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से भी जाकर कर सकते हैं इनको फॉलो और मैसेज। और वैसे ही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का नाम क्या है, लाइक वंदना, जरूर फॉलो करें आप लोग जाकर वहाँ पर। तब तक के लिए बाय बाय।